गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने जो नया चैप्टर स्टार्ट करवाया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है संक्रमण धातुओं में जो संकुल बनते हैं उसमें किस प्रकार का धातु और लिगेंड बंधन होता है उसके बारे में ये चैप्टर है, जिसमें हम बेसिकली सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एमएल बॉन्डिंग में कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, और हम पढ़ रहे थे कि वीबीटी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं होती हैं उसके बारे में, और दो या तीन पॉइंट मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की क्लास में शायद तीन पॉइंट हो गए हैं, हम आगे की पॉइंट देखते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, और ये जो क्लास है, देखिए कंबाइंड क्लास है, इंग्लिश मीडियम में डिक्टेट करूंगी, हिंदी मीडियम में मैं आपको लिखवाऊंगी। तो देखिए, अब तक हमने तीन सीमाएं इसकी देखी थी। पहली थी कि संयोजकता बंध सिद्धांत में केवल धातु आयन को महत्व दिया जाता है, लिगेंड की उपेक्षा कर दी जाती है, उसे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। ठीक है, तो उपेक्षा करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम संयोजकता बंध सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय धातु आयन को ही देखते हैं, उसी का हम संकरण ज्ञात करते हैं। लिगेंड किस प्रकार का है, क्या उसकी प्रकृति है, वह एक वीक है, स्ट्रांग है, प्रबल या फिर दुर्बल लिगेंड है, उसके बारे में हमें कोई जानकारियां नहीं मिलती है, जबकि संकुल निर्माण में दोनों के दोनों आवश्यक होते हैं। ठीक है, पहली कमी ये थी। दूसरी मैंने आपको लिखवा दी थी कि जो संक्रमण धातु के संकुल होते हैं उनका क्या कलर होगा, उनके रंग, अवशोषण स्पेक्ट्रम और चुंबकीय गुणों की सटीक जानकारी हमें वीबीटी के अनुसार प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होती है इस रीजन से। ठीक है, इसके बाद हमने अगला जो पॉइंट देखा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से दो प्रकार के संकुल बनते हैं। एक तो होता है आंतरिक कक्षक संकुल, जिसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है बाह्य कक्षक संकुल, जो कि कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स जो है उनमें किस प्रकार के संकुल बनेंगे, किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है, उसके बारे में हमने नहीं देखा है बीबीटी में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जो सीएफटी हमारी जो थ्योरी है उसमें, और मैंने आपको शायद इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल भी पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज की वीडियो में हम फोर्थ तथा जो लिमिटेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, चौथा लिमिटेशन है, अच्छा देखिए, अभी आपके कॉलेज रीओपन हो चुके हैं तो काफी सारे बच्चे तो यहाँ कॉलेज में आके या लेक्चर भी लग रहा है, ये वाले जो टॉपिक है मैं उनको करवा रही हूँ क्लास में ही। कुछ बच्चे जो कॉलेज नहीं आ रहे हैं वो घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये टॉपिक मुझे डबल बार पढ़ाना पड़ रहा है, मैं क्लास में भी पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आप ये टॉपिक जो है वो क्लास में भी आप पढ़े थ्योरी लेक्चर में। ठीक है, लिखिए सीओ सेकंड तथा सीओ सीओ सेकंड दोनों की जानती को समझने के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Thank you.
ठीक है, एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा किस तरह से एक में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो होती है जबकि दूसरे में नहीं होती है। ये फोर्थ पॉइंट की एग्जांपल दूंगी मैं आपको, तो फोर्थ पॉइंट की है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ जा रहे हैं अभी। ठीक है, पहला एग्जांपल है ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस वन और यहाँ पर 4।
हमारा CO plus 2 का मतलब है कि CO plus 2 और CO plus 2 यहां पर होंगे 3D 6 और 4S 0 इस वाले को भी मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ। देखिए आप थोड़ा कंटिन्यूस में
है ना, मेरे पास तो ये बॉडी है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। प्लस टू आया था ऑप्शन से, तो इसमें क्या लिखा था, 3D9 और 4S0। अगले कक्षक में चलेगा, यहाँ पर सीएन जुड़ जाएंगे चार। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी बंद का निर्माण हो सकता था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पांच थी ही नहीं, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यही रहने दें, इतना डी में भेजने की आवश्यकता इसको नहीं है, बस हमें इतनी जगह चाहिए कि सीएन जो है वो बीच में आ सके। तो ये हो जाएगा DSP3। यहाँ पर जब भी हम संकुल पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कक्षकों को गिन के देखते हैं जिसमें लिगेंड जुड़ा होता है या लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, हम बाकी इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन को जोड़कर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर चार सीएन है जो कि एक डी, एक एस और दो पी में है, तो इस तरह से हमने बता दिया कि यहाँ पर DSP2 शंकरण मौजूद है। ठीक है, नोट करें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखें।
ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि संयोजकता बल सिद्धांत में हमने अभिक्रिया की क्रिया विधि और अभिक्रिया की दर के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं, अभिक्रिया की दर और क्रिया विधि, वह हम पढ़ेंगे। यह इसकी कमी रह गई थी, इसके बारे में हम आगे अगली थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, उनमें पढ़ेंगे। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। पांच जुड़े होते हैं निकल के साथ, इस तरह से बाकी की सब भी, तो वो किस तरह से
behavior of complex this theory cannot explain behavior of complex of five coordination number behavior of complex of five coordination number formed by metal ion ब्रैकेट में लिखें Ni2+ Pb2+ Au3+ एक्सेट्रा हैविंग D8 कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि इस थ्योरी में Cu सेकंड और Ti थर्ड के कॉम्प्लेक्सेस जो कि ऑक्टाहेड्रल नाम होकर डिसऑर्डर उनका स्ट्रक्चर होता है वो क्यों होता है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम CFT में पढ़ेंगे कि किस तरह से CFT में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो बदल जाती है पूरी की पूरी CFT में। VBT में अलग तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते थे जबकि स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह से फिल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करें। सबसे पहले इंग्लिश में हिंदी बच्चे देखिए टेक्स्ट पॉइंट। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन डिसऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स For example, all Cu second and Ti third, complexes are disordered. जबकि सभी Cu सेकंड तथा Ti थर्ड संकुल विग्रत होते हैं कि आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया 6 नंबर का एक पॉइंट है और किस रीजन से कॉपर सेकंड और टाइटेनियम थर्ड के जो संकुल होते हैं वह विकृत होते हैं उसके बारे में भी VBT में नहीं पता लगता है।
ठीक है, कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, जैसे लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि लिगेंड किस प्रकार का उसका प्रकृति है, किस प्रकार का उसका हम कह सकते हैं कि प्रबल लिगेंड है दुर्बल लिगेंड है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद यहाँ पर किस प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, क्या संकुल का रंग होगा, चुंबकीय गुण होंगे, उसके बारे में भी सटीक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे डी कक्षकों का विपाटन नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरा ये है कि संकुल जो बन रहे हैं वह आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, कब आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा कब बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कोबाल सेकेंड और कॉपर सेकेंड दोनों में ही एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में मौजूद है, पर फिर भी क्या होता है कि जो कोबाल सेकेंड है वह एक अपचायक के रूप में काम करता है जबकि कॉपर सेकेंड नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण है ये भी हमें पीपीटी में पता नहीं लगा। अगला हमने देखा कि किस प्रकार से हमें अभिक्रिया की दर और क्रिया विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है बीबीटी में। D8 विन्यास वाले जितने भी धातु आयन हैं जैसे कि Ni2+, Pb2+, Au3+, इन सभी में 5 उससे संयोजन संख्या वाले संकुल बनते हैं, तो क्यों बनते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। अगला हमने देखा कि ये सिद्धांत नहीं बता पाता कि कुछ संकुल में विकृति क्यों पाई जाती है, ठीक है, उनकी जो ज्यामिति है वह विकृत क्यों हो जाती है, क्या कारण उसके पीछे होता है, जैसे कि एग्जांपल है कॉपर सेकेंड और टाइटेनियम थर्ड, तो इन संकुलों की ज्यामिति में विकृति क्यों आती है इसके बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, इसके नोट करें।